सो है गाइज, वेलकम बैक टू अगेन खुशी चौधरी चैनल। सो गाइज, मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। रेडी मतलब होना है मुझे बाकी, क्योंकि ये आज है साक्षी का बर्थडे, यानी मेरी भतीजी का बर्थडे, और हम सारे जा रहे हैं मंदिर मधुबन चौक वाले। सो अभी कोई भी रेडी नहीं हुआ है, फटाफट सारे नहा के आ रहे हैं, फिर हम कैब बुक करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे। सो मैं 5 मिनट में रेडी होके वापस आती हूँ। सो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, एंड रेडी होके मैं आ चुकी हूँ, एंड मेरी पूरी फैमिली भी रेडी हो चुकी है। आपको मैं दिखा दूँ गाइस, पता है आज आपको हमारे साथ क्या हुआ? हम लोग कर रहे थे ओला बुकिंग, आई डोंट नो व्हाई क्या हो रहा है साइट्स पे कि कोई कैब पिकअप पॉइंट ले ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमें इतनी धूप में पैदल जाना पड़ा और स्वरूप विहार स्टैंड से फिर हमने रिक्शा लिया। गाइस मुझे पता तो था पहले ही कि हमारी आज हालत ख़राब होने वाली है। फिर जब हम रिक्शे में बैठे तो सबकी शक्ल देखने लायक थी। मैं और चीकू तो हंस रहे थे, फुल मस्ती कर रहे थे, बट जब मैंने सबको देखा, एंड आप भी देखो सबको, सबकी हालत कैसी हो रही थी। अभी तो हम निकले भी नहीं थे तब यह हालत थी, वहाँ पहुँचने तक पता नहीं क्या हालत होती। देन चीकू और मैंने थोड़ी सी मस्ती करी। चीकू से मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, चीकू आज क्या है? तो चीकू बोलती है मेरा बर्थडे है और हम मंदिर जा रहे हैं। देन उसके बाद मैं पूरे रास्ते चीकू के साथ मस्ती करते हुए हम लोग निकले, फुल इन्जॉयमेंट करते हुए। एंड उसके बाद क्या हुआ गाइस, आज हमारे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा था। हम लोग जस्ट बाईपास पे पहुंचे ही थे और क्या बताऊँ मैं आपको, रिक्शा हो चुका था ख़राब, और फिर हमें वहाँ से धूप में थोड़ा दूर चल के बाईपास पहुंचना पड़ा, क्योंकि बाईपास से ही हमें रिक्शा मिलता। फिर हमने एक रिक्शा बुक किया, एंड उस रिक्शे में बैठ के इन रिक्शे वाले भैया ने पूरा मंदिर तक, काली मंदिर तक हमें छोड़ा, दीपाली चौक में जो था काली मंदिर वहाँ तक छोड़ा हमें। एंड फिर हम आ गए थे मंदिर। यहाँ पे आप आसपास जाम जाम के साथ लोगों को देख सकते हैं कि कितनी भीड़ थी। मैं तो ये सोच रही थी कि हमारा आज दर्शन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा इतनी भीड़ को देखते हुए। फिर मैंने आसपास देखा, मैंने कहा यार माता रानी हम आए हैं, जल्दी जल्दी हमारे दर्शन करवा दो, फटाफट से हम घर निकल जाएं। फिर ये मैंने चीकू के लिए बिस्किट लिया, क्योंकि आज चीकू का बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि उसके हाथों से कुछ गरीब बच्चों में बंटवा दूंगी। उसके बाद ये लगा है काली मंदिर की यहाँ पे मार्केट, छोटा सा मार्केट। गाइस जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे तो बहुत बड़ा मार्केट था, इस बार मैंने काफ़ी छोटा मार्केट देखा, बट कोई नहीं, अच्छा था। यहाँ भैया लेके आए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, भैया ने कुछ खुले पैसे मम्मी को दिए, और उसके बाद हम सारे प्रसाद लेकर अंदर गए दर्शन करने के लिए। एंड अंदर जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार लाइन तो बहुत लंबी है, फिर मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा सच में। फिर हम आगे गए, रुको रुको रुको, यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, भीड़ का मज़ा अब देखोगे आप लोग, इसे कहते हैं भीड़। देखो गाइस, मेरे को तो लगा था कि 3 लाइन में से इतना लंबा जाकर हमारा दर्शन कब आएगा। फाइनली थोड़ी पास में पहुँचे हम, और हमने सोचा कि हम अपने मंजिल करीब हैं। देन उसके बाद काली मैया हमें दिखी, हमने फिर दर्शन किए, एंड फिर दर्शन करते हुए हम गए दर्शन। ये चीकू ने डाला दान पत्र में पैसा, उसके बाद हमने पूरे मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पे हमारे दर्शन हो चुके थे पूरे, एंड हम लोग पीछे से मंदिर से निकल कर आए। फिर हमने आसपास देखा कि कुछ है, बच्चों को देखा, तब हमने फिर चीकू के हाथों से बिस्किट बंटवाया। और यहाँ से हम प्रसाद खाकर निकले इस्कॉन टेम्पल के लिए। हमने सोचा कि एक मंदिर हमने घूम लिया, हमारे पास टाइम बच रहा है, तो फिर हम गए इस्कॉन टेम्पल। बट गाइस यहाँ पे एक और लोचा, आज 31 अगस्त था, एंड यहाँ पे था छठी,
मान सकते हो ठाकुर जी की आज छठी थी, जिसकी वजह से इतना भीड़ था। यहाँ पे फाउंडर आए थे, जिन्होंने मंदिर बनवाया था उनके फाउंडर आए थे, एंड फाउंडर के आने के बाद उनका स्वागत इतने अच्छे तरीके से हुआ गाइस, मेरा तो दिल मोह गया कि मैं नाचने लग जाऊँ। जब मैंने यहाँ पे गाना नृत्य उनका स्वागत इतने अच्छे तरीके से देखा करते हुए, मुझे तो गाइस बहुत मज़ा आया। पता नहीं क्या, मैं तो अंदर घुस के वीडियो बनाने लग गई थी, मुझे व्लॉग लेना था। एंड मेरी पूरी फैमिली बाहर थी। जब मैं अपनी फैमिली को बाहर से लाने गई, तब तक तो पट बंद हो चुके थे और हम जैसे नॉर्मल बंदों की एंट्री नहीं थी। फिर हमने पिया यहाँ पे नींबू पानी, उसके बाद पी के हम निकल गए एंड सड़ा हुआ मुँह लेके, क्योंकि हम हो गए थे तंग इतनी गर्मी में। एंड सबकी शक्ल देखो आप कैसी हो गई है, सबको बस बेड चाहिए था, ऐसा लगता बेड मिल जाए और सो जाए। मैं परेशान, हम लोग बैठे 100 रुपया वाले रिक्शे में। एंड उसके बाद फिर हम घर के पास पहुँच गए। हम लोग सारे के सारे घर वाली गली में ही थे। सबकी शक्ल देख के मुझे हंसी आ रही थी, तो मैंने एक ब्लॉग ले लिया कि छोटा सा क्लिप ले लूँ। देन उसके बाद मैं शाम को गई चीकू का बर्थडे केक लेने के लिए। मैंने गाइस ऑर्डर नहीं दिया था, सो फिर मैं ऑन द स्पॉट गई शॉप पर और मैंने खुद ही केक देखा, तो मुझे केक पसंद नहीं आया गाइस। फिर मैंने चीकू के लिए ऑन द स्पॉट यानी टाइम पे हैंड टू हैंड बनवाया सामने, और 10 से 15 मिनट में मैंने बनवाया। और उसका फेवरेट कार्टून था डोरेमोन, तो मैंने वो पिक्चर्स डलवाए। एंड कुछ बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स मेरे को चाहिए था, तो मैंने ये रिटर्न गिफ्ट्स में दिया बच्चों को एंड पैक करवा के फिर मैं भैया के साथ निकल गई घर पर। और यहाँ जब तक हम पहुँचे चीकू के सारे फ्रेंड्स आ चुके थे। फिर हमने कटवाया चीकू का केक। गाइस चीकू के बर्थडे के साथ आज पूरे दिन का व्लॉग होता ही है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। बाय बाय।